हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 7 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल आप लोगों का मैथ और SST का एग्जाम है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में हम लोग मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको SST का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए, पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स 50 का है, 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क, मिलाकर आपका टोटल 60 नंबर का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। और समय 2 घंटे का दिया जाएगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है? +1, -1, 0 या 10, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, +1। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या +1, -1, 0 या 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और इससे एक्स्ट्रा भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा जो आपका स्कूल में पढ़ाई हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मेरा गेस किया हुआ मैच नहीं होता है, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके अलावा भी। देखिए तीसरा नंबर, 2 का घात 5, 2 का घात 5 का सही मान है, 2 का घात 5 का सही मान 32, 25, 10 या 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 32, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करने से 2 × 4 × 8 × 16 × 32 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? पहला ऑप्शन देखिए, -3/-4, दूसरा -1/-2, तीसरा 5/4, चौथा 7। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूछा है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर देखिए, ये तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यहाँ पर प्लस प्लस कैंसिल होकर ये भी धनात्मक हो जाएगा, यहाँ यहाँ प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है वो माइनस तो रह ही जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/7 का व्युत्क्रम जस्ट उल्टा कर देना है, 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा इसका आंसर, 7/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा 7/3, तीसरा -3/7, चौथा -7/3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्स का 40% 200 है, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का 40% 200 है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स का के लिए हम लोग गुना लगाते हैं, 40/100 = 200 है, बस सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, x = 5, x = 20 या x = 500 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 500 आ जाएगा, 500। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, 25% होगा, 25% क्या होगा? 25% यानी प्रतिशत नहीं कि 100, सॉल्व कर देंगे 25 का 25, 25 चौके 100, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो वैसे चलिए 5/4 आंसर में 5/4 तो है, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा 5/4 बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, a^0 का मान क्या होगा? a^0 का मान क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा या इनमें से कोई नहीं, देखिए यहाँ 1 का घात 0 रहे या 1 का घात 0 रहे या 100 का घात 0 रहे या 1000 का घात 0 रहे, किसी का भी घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। पहला ऑप्शन है -4/5, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा ऑप्शन है 4/-5 और चौथा ऑप्शन है 1/5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा,
पाँच बटे चार, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है, बस सिंपल सा बात है। चलिए इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, दस नंबर। दस नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन समान भिन्न नहीं है। समान भिन्न यानी कि देखिए नीचे जब सबका हर समान होना चाहिए, देखिए नौ है नौ है नौ है, ये तो समान है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चौथा समान नहीं है, और नहीं है को पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए सभी क्वेश्चन को। हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो -16 प्राप्त होगा, पहला दिया हुआ है 36, तो दूसरा पूर्णांक हम लोगों को निकालना है। देखिए इसको इस प्रकार हल करेंगे, माना कि दूसरा पूर्णांक ए है, तो ए और 36 को जोड़ने से -16 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए और 36 और ए को जोड़ेंगे तो -16 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण मिल गया हम लोगों को, अब यहाँ पर ए का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए 36 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर -16 को यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर +36 इधर आकर -36 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों माइनस माइनस में हैं तो दोनों को जोड़ेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, तो जोड़ने से 52 हो रहा है और माइनस का साइन दोनों में, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, तो -52 ए बराबर -52 यही इसका आंसर हो गया। छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, एक आयत की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप क्या है, आयत का परिमाप बताना है। तो इसका हल देखिए, आयत की लंबाई बराबर 6.2 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 5.4 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी दिया गया है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, बस वैल्यू रखेंगे हम लोग, दो के लिए दो नीचे लिख देंगे, लंबाई के लिए यहाँ पर 6.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए 5.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो इसीलिए नीचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, बीच में जो प्लस है वो प्लस यहाँ पर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दो के लिए यहाँ पर दो लिख देंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 116/10 हो जाएगा, फिर दो को 116/10 से गुना करेंगे तो 232/10 हो जाएगा, फिर नीचे 10 है, 10 को हटाएंगे या भाग देंगे बात बराबर है, तो यहाँ पर 23.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, तीन नंबर। तीन नंबर का क्वेश्चन देखिए, -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त हो, -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त हो, तो इसको इस प्रकार हल करेंगे। देखिए दो संख्या का अंतर 14/15, पहली संख्या -3/5 अतः दूसरी संख्या बराबर -3/5 में हम लोग माइनस कर देंगे 14/15, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए भिन्न का ये भी जोड़ बन जाएगा या घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव बन जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, इसलिए दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 5 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। भिन्न का यहाँ पर सरल करना है, भिन्न का हल करना है, ठीक है, हल करेंगे तो -23/15 इसका आंसर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग ये सब जो बेसिक मैथ है समझ लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चार नंबर, 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है तो 15 कलम का मूल्य ज्ञात करें। हल देखिए 10 कलम का मूल्य 50 है, 1 कलम का मूल्य 50/10 बराबर 5 रुपये, 1 कलम 5 रुपये में मिलता है, तो 15 कलम कितना मिलेगा, जस्ट 15 को 5 से गुना कर देंगे, तो देखिए अतः 15 कलम का मूल्य बराबर 15 × 5 रुपया बराबर 75 रुपया, तो यही 75 रुपया इसका आंसर हो गया। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा एक दो बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पाँच नंबर की ओर। पाँच नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्याज ज्ञात करें। ब्याज ज्ञात करना है, यदि मूलधन 300, समय 2 वर्ष तथा दर 5% वार्षिक है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। देखिए हल, मूलधन 300, समय 2 वर्ष, दर 5%। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड को जो एग्जाम होता है वो सब में ये सब पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाता है ये सब क्वेश्चन को आप अगर याद रखते हैं तो देखिए वैल्यू रखेंगे
मूलधन के लिए 200, समय के लिए 2, दर के लिए 5 बटे 100, बस सॉल्व कर देंगे तो 30 रुपये आ जाएगा। 30 रुपये ही हो गया आंसर, और 30 रुपया साधारण ब्याज लगेगा। तो इसे आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है 2x + 5 और 3x - 7 का योग फल ज्ञात करना है। योग यानी कि जोड़। तो देखिए दोनों को लिख दिए हम लोग यहाँ पर और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 2x + 5 + 3x - 7 लिख देंगे और x x को एक जगह लिखेंगे और जहाँ x नहीं है उसको एक जगह लिखेंगे। फिर 2x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। 5 में माइनस करेंगे 7 तो -2 बचेगा। बस यही तो हो गया आंसर, 5x - 2 यही इसका आंसर हो गया। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं रहता तो हो जाता, बट x है तो अलग अलग, यहाँ पर x नहीं है ठीक है, अलग अलग जाती है दोनों, तो सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करें जिसका योगफल 33 है। 3 का लगातार गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा बोलते जाना है, जो संख्या है उसी को हम लोग गुणज कहते हैं, जिसका योगफल 33 है। इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए माना 3 के 2 लगातार गुणज x और x + 3 है, प्रश्न अनुसार देखिए दोनों गुणजों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो बस x, ये वाला x के लिए ये x हो गया और फिर x + 3 के लिए x + 3, दोनों का योगफल बोला है इसलिए बीच में यहाँ पर जोड़ लिख देंगे, बराबर 33। सॉल्व करेंगे x x यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर ये जो +3 है बराबर का दूसरे साइड आकर -3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 33 - 3 तो यहाँ पर 30 बचेगा। 2x = 30, तो x का वैल्यू 2 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा। x = 30/2 यानी कि 2 के 2 2 15 का 30, x = 15 आ चुका है। अतः पहला गुणज बराबर x = 15 और दूसरा गुणज बराबर x + 3 यानी कि 15 + 3 = 18। 15 और 18 ये दोनों ही इसका आंसर है। इसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, नौकरी के लिए आप जब जाइएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके स्कूल में बोला गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।